न्यूनेटल हेल्थ के मॉड्यूल में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना सुहेल है और मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ न्यूनेटल और मटर्नल हेल्थ है। सो इस मॉड्यूल के अंदर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे के डेंजर साइंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और उनके आइडेंटिफिकेशन के बाद उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चे की पैदाइश के बाद पहला हफ्ता उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इस ख़तरे की कई वजूहात हैं। उन वजूहात में इन्फेक्शन का कैच करना, बर्थ एस्फिक्सिया होना, कम वज़न का बच्चा पैदा होना या टाइम से पहले बच्चे का पैदा होना, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोथर्मिया शामिल हैं। इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अर्ली रिकग्निशन ऑफ डेंजर साइंस बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ना सिर्फ ये कि हमारा ये काम है कि माँ बाप अर्ली रिकग्निशन करें डेंजर साइंस की, जब हम बच्चों को पोस्ट नेटल विज़िट के लिए बुलाते हैं तो हम भी उनके डेंजर साइंस के लिए उनको केयरफुली वॉच करें। जब हम बच्चों को डेंजर साइंस के लिए वॉच करते हैं और हमें कोई डेंजर साइंस मिल जाते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन बच्चों को अप्रोप्रिएट फैसिलिटी के ऊपर फ़ौरन रेफ़र कर दें। जब बच्चा हमें प्रेजेंट करता है या माँ हमारे पास आती है और वो हमें बताती है कि बच्चे ने दूध लेना बंद कर दिया है, बच्चे ने हिलना बंद कर दिया है, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं या कन्वल्शंस हो रही हैं, बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 60 या उससे ज़्यादा है, बच्चा सांस लेने के लिए जोर लगा रहा है, बच्चे को या बुखार है या बच्चे का जिस्म बिल्कुल ठंडा है, तो ये सारी चीज़ें जॉन्डिस के साथ मिला के ये सारी डेंजर साइंस हैं। इन सब डेंजर साइंस के लिए वॉच करना चाहिए। अगर बच्चे को इनमें से कोई भी डेंजर साइन हो तो बच्चे को टाइमली रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि रेफरल में फ़ौरन भेजना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमने डेंजर साइन आइडेंटिफाई किया, माँ बाप को बताया, वो दोबारा घर चले गए। वो नहीं हो सकता। उस सूरत में ये इमरजेंसी है और बच्चे को फ़ौरन नेक्स्ट लेवल फैसिलिटी पे जाना चाहिए। एक और डेंजर साइन है जिसके बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया लेकिन हम पहले बात कर चुके हैं, वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का हमें बुखार से भी पता चलता है, लेकिन इन्फेक्शन का हमें आंखों के मुआयने से भी पता चल सकता है। इन्फेक्शन का हमें बच्चे की अम्ब्लाइकल कॉर्ड को देखने से भी पता चलता है। अगर अम्ब्लाइकल कॉर्ड सेपरेट नहीं हुई या उसमें से पस निकल रही है और वो लाल हुई हुई है तो इसका मतलब है कि कोई मसला है। और अगर आप बच्चे की स्किन देखें जिसमें आप उसके आर्मपिट्स देखें, ग्वाइनल रीजन देखें, अगर वहाँ दाने निकले हुए हैं, पस्ट्यूल्स निकले हुए हैं, तो वो भी इन्फेक्शन का एक साइन है। और बच्चे के मुंह के अंदर देखना भी ज़रूरी है कि अगर वहाँ पस्ट्यूल हैं तो वो भी इन्फेक्शन का साइन है। सो जहाँ हम बाकी डेंजर साइंस की बात कर रहे हैं वहाँ इन्फेक्शन के साइंस को देखना भी ज़रूरी है। और उनके लिए भी फैसला एक ही है, वो फैसला क्या है, बच्चे को टाइम के ऊपर नेक्स्ट फैसिलिटी पे रेफ़र करें जहाँ बच्चे को इमीडिएटली डेंजर साइंस की मैनेजमेंट की सहूलत मयसर हो।